तो आई एम रियली अननोन जीनियस की सभी शो की शुरुआत होती है जो हमारा इथाना विकसित लीनी मोटर पैलेस जहाँ पे क्यून नाम की लड़की थी उसका मास्टर हाँ तो बेसिकली उससे सेट्स होती है जहाँ पे वो जो क्यून का मास्टर यहाँ पे था वो अपने बंदों से कहता है एवरीथिंग इज ओके, सारे बंदे कहते हैं यस एवरीथिंग इज ओके, नो नो फकिंग ओके, तो ये भी कहता है क्यून का मास्टर बढ़िया है। तो एक कमरे के अंदर जाता हूँ, कमरे के अंदर जो किंग और साथ ही में ये दोनों जो बंदे यहाँ पे थे ना भाई पोता और दादा, हाँ जिसमें दादा इमॉर्टल यहाँ पे था, ये तीनों बेसिकली इंतजार उसका यहाँ पे कर रहे थे या आई मीन क्यून के मास्टर ने बेसिकली बुलाया था। तो ये भी क्यून के मास्टर उनके पास जाता है और जाते कहते बिल मेरे को एक तरीका मालूम चल चुका है जिससे जो एक्सपर्ट है ना मिस्टर नियांगफेंग हम उनको खुश कर सकते हैं। जैसे ये तीनों सुनते ना हिल जाते, कहते नो 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 नो, यह उतने कमाल के बंदे भाई, हम उनके सामने चींटी है भाई, और चींटी से कोई आदमी खुश कैसे हो सकता है। जो सुनते सामने सीए बताता भाई मेरे पास तरीका है, उसकी जो सेक्टर यहाँ पे थी ना गुलाबे बालू वाली उसको बुलाता हूँ, कहता भाई इनसे मिलो, ये मेरी सेक्टर इमॉर्टल दुनिया में रहती थी क्या, इनके पास एक बड़ा कमाल का बीच था और ये बीच ना उन्होंने मिस्टर नियांगफेंग को दिया। जैसे मिस्टर नियांगफेंग को मिली थी वो बहुत ज्यादा खुश यहाँ पे हो गए थे। सामने सोई इमॉर्टल एंड सेक्टर कहती है कि बोल हाँ तो वो बीच मुझे कहाँ से मिली और कैसे मिली ना ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी ताकि आप भी जाके बीच यहाँ पे कलेक्ट करके उनको देख के खुश कर सकते हो। जो सुनते ये तीनों तो वाकई में खुश हो जाते और फिर कहते कि नहीं 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 तू भले ही हमें दे दे लेकिन कहते ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तुझे बदले में भी हमसे कुछ चाहिए ना, बोल बेटे क्या चाहिए। जो सुनते क्यों उनका मास्टर कहते बड़े चलाको जी हाँ मुझे भी बदले में कुछ चाहिए लेकिन कमाल की बात बताऊँ मेरे को कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए बल्कि तुमको देना पड़ेगा लेकिन मेरे को नहीं। लास्ट टाइम मेरे यहाँ सेटर ने ना उस बीच को एक्सचेंज करने के बदले दो कमाल के आइटम जो कमाल के हनी का जो शहद होता ना वो शहद यहाँ पे दिया था और जो कमाल के डिवाइन वर्ड का जो अंडा यहाँ पे था ना वो अंडा यहाँ पे दिया था तब जाके मिला था। जो सुंदर लोग कहते ओहो समझ गए यानी बदले में हमको भी ना कोई इतना कमाल का आइटम यहाँ पे देना पड़ेगा तो हमको आइटम यहाँ पे निकालना चाहिए। तो बिल मेरे पास है ना भाई मेरे पास क्या है। सामने से क्यों उनका मास्टर कहता है मेरे पास ना दो संतरे हैं जो कि मिस्टर नियांगफेंग ने मुझे दिए थे जो कि बड़े कमाल के हैं। सामने से दादा ने स्पीचर रूट निकाल लेता है और कहता है भाई ये भी मुझे एक्सपर्ट के घर के अंदर से मिला था ये भी बड़ा कमाल का है। उसका जो पोता यहाँ पर है ना वो पोता ये करता भाई ये निकालता मोमोस आधा खाया हुआ और कहता है मेरे पास तो यही है। और जो किंग यहाँ पे था ना किंग एक छोटा सा पोटली निकालता और साथ ही में और संतरा निकालता और कहता है मेरे पास तो यही है। ये लोग कहते सच्ची में तेरे पास ये है। सामने से वो कहता है सच्ची में यही है मिस्टर नियांगफेंग ने हमको यहाँ पे दिए। ये लोग कहते ओके ठीक है भाई बताओ वो जो दुकान है ना भाई जहाँ से बीच मिली थी कहाँ है। जो सुनते कि उनका मास्टर कहता वो बेसिकली इमॉर्टल की दुनिया में तो हम सबको ना इमॉर्टल की दुनिया में जानी पड़ेगी और चांग क्विंग नाम का एक बंदा यहाँ पे जो कि इमॉर्टल बन के इमॉर्टल की दुनिया में यहाँ पे जा चुका है ये सारा सामान हम उसको यहाँ पे दे देंगे वो जाकर दुकान में ना एक्सचेंज करके यहाँ पे लेकर आ जाएगा। तो सारा सामान उस बंदे को प्रोवाइड करते शीर्ष तो उसी बंदे पे जो कि इमॉर्टल दुनिया में आता है उसी दुकान के पास ना डर के मारे एकदम छुपे छुपे जा रहा है और देख सकते हो भाई अपना मुंह ना कैसे पट्टियों से कवर इसने कर लिया और कहता मम्मी रे जब एक नॉर्मल कल्टिवेटर था उस समय इतना डर मुझे नहीं लगता था जितना डर और जितना नर्वस आज मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि भाई मेरे हाथों में तीन यहाँ पे संतरे हैं मिस्टर नियांगफेंग के हाथ द्वारा जो मिला हुआ है माशाल्लाह भी समझ समझ के मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। फाइनली उस दुकान के अंदर चल जाता जैसे दुकान में जाता ना दुकान का जो मालिक देख के डर जाता कहता मम्मी रे भाई ये कौन लुटेरा आ गया। वो कहता साले में कोई लुटेरा यहाँ पे नहीं ध्यान से देख। वो कहता अच्छा भाई तुम यहाँ पे बिजनेस करने आओ क्या तुम्हारे पास कोई कमाल का आइटम है जिस चक्कर में तुम डरते डरते आ रहे हो। वो कहता यस मेरे पास कमाल का आइटम है ये देखो संतरे यहाँ पे निकाल दो। जैसे संतरा निकालता दुकान का मालिक कहता भाई संतरा। वो कहता तेरी माँ कभी ध्यान से देखिए कोई ऐसा वैसा संतरा नहीं है ये सुपर स्पिरिचुअल संतरा है। तो वो भी देखते ओ माय गॉड भाई ये तो सुपर अल्टीमेट प्रो मैक्स वाला संतरा यहाँ पर है इतना कमाल का संतरा ऊपर से एक दो नहीं बल्कि तीन तीन तू दे रहा है बोल बेटे बदले में तुझे क्या चाहिए। जो सुनते चांग क्विंग कहता मुझे बदले में ना एंशियड आइटम यहाँ पे चाहिए। ये भी कहता मालिक अच्छा मिल जाएगा एंशियड आइटम तुझे। तो कोई कमाल का आइटम एक्सचेंज यहाँ पे करता है वहाँ से निकल जाता है। तो जो बंदा एक यहाँ पे था नौकर वो कहता मालिक सच्ची में यार आपने इतना कमाल का आइटम उसको दे दिया। ये कहता हाँ लेकिन उसने मुझे बदले में और भी कमाल के आइटम दिए। सबसे पहले ना उसने मेरे को यहाँ पे दिया तीन संतरा एक यहाँ पे स्पिरिचुअल रूट यहाँ पे दिया स्पिरिचुअल जड़ यहाँ पे दिया और एक यहाँ पे चाय की पत्ती हाँ जो छोटा सा बैग यहाँ पे जो किंग ने दिया था उसमें चाय की पत्ती थी जो कि नियांगफेंग ने बहुत पहले किंग को गिफ्ट यहाँ पे किया था अगर आपको यहाँ पे याद होगा। तो ही कहता कि यहाँ पर ये तीनों जो आइटम है ना जो पहले मुर्गी का अंडा आई मीन जो कमाल के डिवाइन वर्ड का अंडा और जो हनी मिला था ना वो हनी से भी ज़्यादा यहाँ पे कीमती है। तुझे तो हमारा बिजनेस यहाँ पे मालूम है कमाल का आइटम दो और कमाल का आइटम लो और बाद में उसी बंदे को लूट के उससे भी कमाल का आइटम वापस से छीन लो। लास्ट टाइम जिस औरत ने भाई अंडे और हनी देके एक्सचेंज किया था उसके पीछे हमने एक बंदे को भेजा था उस बंदे का आईडिया आज तक मालूम नहीं चला लेकिन तू इस आदमी के पीछे यहाँ पे जा और जाते ना भाई वो सामान भी हमारे यहाँ पे चोरी कर ले। तो वो भी कहते ओके ठीक है हो जाएगा मालिक। तो वो पीछा करते करते उसके पास जाता अकेले नहीं तीन चार बंदे को लेकर और घेर लेते उस बंदे को चांग क्विंग को और कहते भाई साले चांग क्विंग तेरा क्या होगा। वो कहता सालों में तुम सब मेरा
पीछा किया लूटने के लिए, वो कहता है जी हमने किया तुझे आइडिया यहाँ पे था ना स्टार्टिंग से, बढ़िया है बेटा ला बाबा चुप चुप हमें दे दे, और किसने भाई तुझे वो सारा सामान यहाँ पे दिया वो भी बता दे तो हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे वरना हम तुम्हारी कह के ले लेंगे। लेकिन तभी उस एरिया में यहाँ पे आ जाती है एनसेक्टर, एनसेक्टर के अलावा जो यहाँ पे एक सेट का लीडर यहाँ पे थे मोटे दुनिया में वो, उसकी बीबी और दद्दा, और जैसे इन चारों को देखते ना भाई इन बंदे की फड़के चारों कहती मम्मी रे ये आदमी अकेला नहीं है या इसके साथ तो हमसे भी स्ट्रॉन्ग इमोर्टल है, सॉरी हमसे गलती हो गई। वो लोग कहते भाई गलती हो गई, गलती के बदले एक सजा तो मिलती है, वो सजा यहाँ पे लेते हुए जा, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।